What are the side effects of having a boyfriend? साइड इफेक्ट वही बोलना चाहूँगी कि बॉयफ्रेंड होना भी मतलब बहुत जिंदगी में खराब होता है. तेरी जुल्फों के साये ने उसे दीवाना कर दिया, उसने भी अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया. देखा जो तुझे कल अपनी ही बॉयफ्रेंड की निंदा करते हुए थाए, 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 मार दिया. लाइट्स कैमरा एक्शन. बॉयफ्रेंड होने के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? बहुत इरिटेटिंग है, हमेशा टेंशन लेते रहते हैं. जो चीज मत करो बोलने से उसको ज्यादा तक करते ही रहेगा, ऐसे है ना. वो जो आपकी मर्जी चलती है हमेशा? नहीं ऐसा नहीं है, हम अपने लिए नहीं बोलते हैं, मतलब उसका उसका लिए बोल देता है ना. जो खराब है उसको मत करो, लेकिन उसको वो खास करके करते ही रहते हैं. कुछ होता है प्रॉब्लम फेस करना होता है ना, जैसे कि पेरेंट्स लोग से झूठ बोलना पड़ता है, अपना कजिन लोग से छुपा के रखना पड़ता है ना. बॉयफ्रेंड होने से एक मतलब हो जाती कि वो लोग भी मतलब सोचते कि हम वो कपड़ा ना ढंग का पहनो, ये सब बाहर में ये सब मत पहनो, वो क्या क्या है ना, क्या क्या मतलब बोल देते हैं ये सब मत करो, क्योंकि वो लोग मतलब इनसिक्योर लगता होगा. हम लोग भी मतलब पहनना चाहते हैं ना कि अच्छा कपड़ा पहनो, थोड़ा खुद को थोड़ा सेक्सी लगो, हॉट लगो, सोच के पहनते हैं, लेकिन वो लोग मतलब अलग मतलब सोचते हैं ना, उसे पहनने नहीं देते. आई थिंक ज़्यादातर केसेस में लड़का को प्रायोरिटी देने का चक्कर में अपने आप को प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं. और आई थिंक लड़की लोग को ये बात याद रखना चाहिए कि मतलब सिर्फ लड़का का आगे पीछे उसका दुनिया खत्म नहीं होता ना, अपना आइडेंटिटी बनाना चाहिए हम लोगों. जैसे कि पबजी मत खेलो बोलने से उसको खेलते ही रहेगा, साथ में बैठने से भी मेरा साथ ज़्यादा ध्यान नहीं देखे पबजी में. आप लोग मत पियो बोलने से उसको ज़्यादातर पीते रहेगा, मत पियो कितना बार बोलेगा सुनते ही नहीं है. जो प्रीवियस रिलेशनशिप है उसके साथ आप ब्रेकअप करते हैं ना, तो उसकी तो आप किसी का मतलब आदत पड़ जाते हैं. 98% से कभी वो होता नहीं है ना, इंडिपेंडेंटली रहने का वो आदत छूट जाते हैं. पहले तो बॉयफ्रेंड जैसे हम लोग जैसा पर्स जैसे है हम लोग को ऐसे देख के पसंद करता था, पर रिलेशन में आने का बाद वो ड्रेसेस में भी कमेंट मारना शुरू हो जाते कि ऐसा मत पहनो, ऐसा मत पहनो. कोई कोई बॉयफ्रेंड बहुत पॉजिटिव हो जाता है कि ड्रेस में भी कमेंट करना और उसका साथ मत रहो, इसका साथ रहो, वो सब आ जाते हैं. एक्चुअली आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड्स, सो आई हैव नो आइडिया. लेकिन जहाँ तक अपना दोस्तों को देखा है, कुछ कुछ बॉयफ्रेंड होते हैं जो नौकरी भी नहीं करते लेकिन खुद को पति जैसे समझ लेते हैं और ताव मारते लड़की के ऊपर. और जैसे कि अभी हमको मतलब पार्टी करना होता है मतलब दोस्तों के साथ ना, तो हैंग आउट करके सोचने से भी मतलब वो लोग से परमिशन लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है, फिर वो लोग फिर मना कर देने से भी इतना मतलब बहुत दुखी लग जाते ना. फिर बॉयफ्रेंड होने से मतलब अपना दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, और कहीं जाने से भी अपना दोस्त को फोन और मतलब बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बताना पड़ता है कि जहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, जबकि हम लोग अपना माँ पिता जी को भी नहीं बताता होगा कि मतलब ये कर रहे वो कर रहे, और कि इतना बताना नहीं पड़ते. तो हस्बैंड थोड़ी ना अभी ना बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते, वो शादी का बात कर सकते लेकिन अभी नहीं कर सकते मेरा नज़र. अगर लड़का दोस्त है बोलने से लड़का दोस्त लोग को भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा पुश कर देना पड़ता है. मान लो अगर आप व्हाट्सएप में चैट कर रहे किसी से, तो अगर आपको इमरजेंसी आपको इनके इमरजेंसी काम आ गया और उस पर आप व्हाट्सएप का पेज को ऐसे ओपन करके चला गया, अगर लड़का या लड़की अंडरस्टैंडिंग होगा तो वो आपको समझेगा, नहीं पक्का कुछ काम आ गया होगा, अदरवाइज तो हमको रिप्लाई करना था. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली ना उसमें डाउट्स आएगा, अरे ये ऑनलाइन रह के क्यों झगड़ा कर, आई मीन ना ऑनलाइन रह के क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा है, और डाउट्स के बाद झगड़ा होगा, झगड़े के बाद फाइट्स होगा, उसके बाद से साइड इफेक्ट्स आना चालू हो जाएगा मेरा ख्याल से. उसके बाद हम कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं किया तो हम इसमें कॉमेंट नहीं करेगा, सॉरी ना. हाउ टू गेट अ गर्ल्स नंबर? मेरा बहुत कुछ इमरजेंसी काम हो गया, थोड़ा फोन दे सकते हैं, मेरा बैलेंस नहीं है. थैंक यू सो मच. अभी भी हमने अपने नंबर में मिस कॉल मारा है, आपका नंबर मिल गया मुझे. थैंक यू नंबर देने के लिए, बाय. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ बॉयफ्रेंड? बेनिफिट्स ऑफ बॉयफ्रेंड, पीछे देखो पीछे, कौन है पीछे? सब्सक्राइबर्स है पीछे. बॉयफ्रेंड होने के बेनिफिट्स, एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, बहुत सारा बात है जिसको हम लोग फ्रेंड्स या फिर फैमिली से शेयर नहीं कर सकता है, तो आई थिंक ऐसा बात को हम लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं. बॉयफ्रेंड होने से सेफ फील करता है, और सबसे बड़ा चीज लड़की लोग चुगली करने के लिए सबसे पहले बॉयफ्रेंड को ही वो करता है, मतलब कंफर्टेबल होता है. हम लोग जैसा है वैसा है, सब बॉयफ्रेंड सब कुछ जानता है, तो उसका मैं दूसरा प्रिटेंड करने के लिए नहीं होता है, हम लोग खुद होके उसका साथ रह सकते हैं. जैसे कि अभी पैसा हमको कुछ शॉर्टेज हो गया, कुछ लेना हो तो उसमें भी हमको मदद करते हैं, और कुछ दुख चीज़ में उनसे भी बात उसको हम शेयर कर सकते हैं दोस्त के जैसे ना.
ऐसे नहीं कि वो सिर्फ हमको मतलब मदद करते हैं, हल्के भी नहीं है, मतलब हम भी उसको मदद करते हैं, उसका दुख किया उसका जिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हम भी मदद करते हैं, इमोशनली बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब ऐसे ऐसे बोलो बॉयफ्रेंड ना, लेकिन वो सब भी लेकिन लड़का को ऊपर डिपेंड करते हैं, हर लड़का ऐसा नहीं होते। अगर आप मान लो रात को 1-2 बजे पार्टी में गया और उसमें सब आपका दोस्त लोग अलग अलग हो गया, पर आप 2-3 बजे पे अपने लड़का को कॉल करो और बोलो हमको लेने आओ ना, हम ऐसे ऐसे जगह में हो गया, तो वो अपना नींद छोड़ के भी आपको आ जाएगा ना, तो आपको मतलब एज ए बेनिफिट आपको एक प्रोटेक्टर मिल जाएगा। तो एक लड़का और एक लड़की को कौन से स्टेज में आके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना चाहिए? मेरा सबसे 19-20 शायद उसके लिए बेस्ट है। हाँ, मेरा ख्याल से तो कोई प्यार का कोई स्टेज नहीं होता है और ना ही उसका कोई उम्र होता है, अबाउट 18। अरे इससे बिना दुखो, जब आप मेंटली खुद रेडी होगा ना, आप रेडी है कि हाँ रिलेशनशिप के लिए, तो ठीक है। कोई मैच्योर हो जाने के बाद रखने से ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है, तो उसका बस ज़्यादातर केसेस में जब आप लोनली फील करते हैं तब रिलेशन में आते हैं हमको लगता है ना, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आप सच्चा प्यार होगा, जब आप मेंटली रेडी होगा और जब अपना बेस बना लेगा करियर का, तब जाके हम वही सलाह देगा कि बॉयफ्रेंड मत बनाओ, अगर आपको कुछ रहना है तो बॉयफ्रेंड मत बनाओ। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये एक यूट्यूबर है, अरुणाचली यूट्यूबर है, इनका चैनल का नाम है कामांग पांजांग, तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही अच्छे कंटेंट्स बनाती हैं ये, और बाकी का ये बता देंगे आप। कामांग पांजांग, आई एम अ ब्लॉगर एक्चुअली, हम थोड़ा पासी घर और अरुणाचल के बारे में थोड़ा बहुत ब्लॉग कर लेते हैं, एग्जाम्पल टूरिस्ट पॉइंट, मेन मार्केट, मंडे मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर मेरा ब्लॉग को देखोगे आप, मेरा चैनल के अंदर क्लिक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कंटेंट क्या है, और आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल लेंसिंग वीकली को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड क्या बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।